हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस के एजीएम के बारे में। जी हाँ, यस्टरडे रिलायंस का एजीएम हुआ था, उसमें क्या क्या हाईलाइट्स है एंड मुकेश अंबानी ने क्या क्या पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, सारी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो रिलायंस के एजीएम के पहले बहुत सारे हाइप्स क्रिएट हुए थे कि शायद मुकेश अंबानी इस टाइम कुछ बोनस शेयर या फिर डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया। रिलायंस के जो एजीएम है उसमें मेनली मुकेश अंबानी ने जो कहा वो है उनका एक नेक्स्ट बिजनेस की तरफ उन्होंने फोकस शो किया। वो ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते एंड इस पर्टिकुलर बिजनेस में वो 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा फोकस है ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी एंड अप टू 2030 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 450 गीगावाट का जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो ग्रीन एनर्जी या फिर क्लीन एनर्जी से करना चाहते हैं। आउट ऑफ दिस 450 गीगावाट 100 गीगावाट रिलायंस वांट टू प्रोड्यूस, यानी रिलायंस अपने इस न्यू बिजनेस के थ्रू 100 गीगावाट यानी ऑलमोस्ट 20% से भी ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करना चाहता है इन ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। हम जानते हैं पावर इंडस्ट्री के और भी जो बड़े प्लेयर्स है लाइक टाटा पावर, अदानी पावर, ये बहुत पहले से ही ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर दे चुके हैं एंड इनका बिजनेस भी अच्छा ही जा रहा है। नाउ सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है ये न्यू इन्वेस्टमेंट जो कि 75,000 करोड़ का है। मार्केट ने इसको थोड़ा बहुत नेगेटिव लिया एंड यस्टरडे हमने ये भी देखा कि रिलायंस के एजीएम के बाद स्टॉक में ऑलमोस्ट 2.5% का करेक्शन। तो इस करेक्शन के पीछे 2 रीज़न है। पहले तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर है जिन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को इस रीज़न से बाय किया था कि बोनस और डिविडेंड का न्यूज़ अगर आता है तो स्टॉक में थोड़ा बहुत स्पाइक वो देख सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया तो उन्होंने उसी टाइम स्टॉक से एग्जिट ले लिया। सो स्टॉक में थोड़ा बहुत गिरावट आया। लेकिन अगर हम इस 75,000 करोड़ के न्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में देखें सो बहुत सारे लोगों को ये भी लगा कि रिलायंस अभी डेट फ्री हुआ है, सो एट दैट मोमेंट ये 75,000 करोड़ ये कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। सो फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिलायंस के पास बहुत सारा कैश फ्लो है। हम जानते हैं रिलायंस का बिजनेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है ऑयल बिजनेस, एक है रिटेल बिजनेस एंड एक है जियो बिजनेस। जियो एंड रिटेल बिजनेस जो है वो अभी ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है एंड वहाँ से अच्छा खासा कैश इनको जनरेट हो रहा है, लेकिन ऑयल बिजनेस जो इनका मेन कोर बिजनेस है, सबसे ओल्ड बिजनेस है, यहाँ पे बहुत सारा कैश ऑलरेडी मौजूद है। सो इस पर्टिकुलर कैश को वो एज अ डिविडेंड पे ना करके एज अ री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन टू देयर ग्रीन एनर्जी बिजनेस। सो फॉर द शॉर्ट टर्म ये मार्केट के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव है, लेकिन फॉर लॉन्गर होराइजन ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है, यानी स्टॉक के लिए, क्योंकि इससे पहले भी जिस पर्टिकुलर बिजनेस में रिलायंस इंडस्ट्री ने इन्वेस्ट किया वो सक्सेसफुल रहा। जियो एक सक्सेसफुल बिजनेस है एंड रिटेल भी सक्सेसफुल बिजनेस है, ऐसा हम जानते हैं। सो वी होप ग्रीन एनर्जी में भी रिलायंस इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करने वाले हैं एंड इसके लिए उन्होंने 60,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी करना स्टार्ट कर दिया जो कि जामनगर में वो करेंगे 5,000 एकर्स में, जहाँ पे वो अपना ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाएंगे। नाउ हम जानते हैं जियो एंड रिटेल इज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल बिजनेस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यही ग्रीन एनर्जी के ऊपर मुकेश अंबानी ने जो कहा है, यानी रिलायंस एजीएम का मेन हाईलाइट है उनका न्यू ग्रीन एनर्जी बिजनेस, जहाँ पे वो नेक्स्ट 3 इयर्स में 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो दैट विल बी अ बहुत एक्साइटिंग है फॉर द न्यू इन्वेस्टर फॉर रिलायंस स्टॉक। नाउ जियो एंड रिटेल के बारे में भी कुछ अनाउंसमेंट उन्होंने किए। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो रिटेल बिजनेस के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने ये होप किया है कि इन द नेक्स्ट 5 इयर्स रिलायंस रिटेल का जो रेवेन्यू है वो 3 गुना बढ़ सकता है। सो इन रिटेल प्रॉस्पेक्टिव बहुत ही शानदार है। किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस का रेवेन्यू का 3 गुना बढ़ता है इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड जियो के लिए भी उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। सितंबर में वो गूगल के साथ मिलकर नई 4G फ़ोन लॉन्च करेंगे एंड उनका जो मेन टारगेट है वो है 2G सब्सक्राइबर को 4G की तरफ मूव करना। शायद वो बहुत सारे डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेट में 4G फ़ोन भी अनाउंस करने वाले हैं, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। उनका जो विजन है वो है इन द नेक्स्ट 5 ईयर 20 करोड़ न्यू सब्सक्राइबर्स को ऐड करना। सो एवरी प्रॉस्पेक्टिव जियो हो या फिर रिटेल, बहुत सारे पॉजिटिव अनाउंसमेंट आए हैं एंड ये जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस है इसके बारे में तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सो दैट इज़ द न्यू एडिशन फॉर देयर बिजनेस। सो ये था रिलायंस एजीएम के कुछ हाईलाइट्स। मार्केट लिस्ट को शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव लिया है, लेकिन अगर करेक्शन में जियो का स्टॉक आपको मिलता है यानी रिलायंस का स्टॉक आपको मिलता है तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कीजिए। आपका हॉराइजन लॉन्गर होना चाहिए। आने वाले दिनों में ये 3,000 भी टच करेगा एंड एज सुन एज जियो अपना IPO लाएगा तो स्टॉक का रीरेटिंग भी उस टाइम देखने को मिलेगा। सो यह था रिलायंस के एजीएम के बारे में एक शॉर्ट एनालिसिस वीडियो। इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।